हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एन यू में। आज हम लोग पढ़ते हैं साधारण ब्याज, जो कि पार्ट वन में है। सॉरी, पार्ट वन साधारण ब्याज का। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। एसआई बराबर दर इंटू समय प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में एसआई क्या होगा। तो एसआई बराबर आरटी प्रतिशत होता है, यानी 5 × 20 यानी 20% होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5000 रुपया का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज प्रतिशत निकाल लेते हैं। एसआई बराबर आरटी प्रतिशत हो जाएगा, यानी 10 × 3 30% साधारण ब्याज हो गया। वार्षिक प्रतिशत दर ऐसा बराबर 5000 इंटू प्रतिशत ब्याज बटा 100, यानी 5000 इंटू 30 बटा 100, इसका काट के हम आ गया 1500 आंसर। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूलधन दिया गया है 1000 रुपया, दर दिया गया है 10% और समय दिया गया है 5 वर्ष, तो ब्याज बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत दर निकालते हैं। ऐसा बराबर 50, यानी 10 × 5 50 हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज निकालने के लिए 1000 × 50/100 कट जाएगा, यानी ब्याज 500। और मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग मूलधन प्लस ब्याज को प्लस करते हैं, तो मिश्र धन निकलता है, यानी ब्याज 500 रुपया और मूलधन 1000, यानी दोनों को प्लस करने से मिश्र धन 1500 रुपया हो जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं कि एसआई के केस में होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे। जैसे कि आर बराबर 10%, टी बराबर 3 वर्ष, तो एसआई बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिशत ब्याज 30%, यानी 30% का 100, यानी 3/4, तो 10 को ऊपर प्लस करते हैं तो 13/10 हो जाएगा। यानी कि एक ट्रिक है जो कि आप लोगों को याद रखने वाला है, मूलधन में डब्ल्यू वी का सीधा गुना करते हैं मिश्र धन निकालने के लिए, और मिश्र धन में डब्ल्यू वी को उल्टा गुना करते हैं मूलधन निकालने के लिए। ये भी हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन 2000 रुपया और 10% है, तो समय 2 वर्ष है, तो मूल मिश्र धन पूछ रहा है, तो ऐसा ही पहले हम सब निकाल लेते हैं। यानी 10 × 2 यानी 20% हो गया। होल वैल्यू पूछ रहा है, होल वैल्यू इसमें दिया गया है कि सीधा गुना करते हैं मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन से, तो 20/100 यानी 1/5, यानी 5 को ऊपर प्लस करके लिखते हैं 6/5 हो गया। तो मिश्र धन निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि होल वैल्यू को सीधा से गुना करते हैं, तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन कितना है 2000 रुपया, 2000 को सीधा गुना करेंगे, होल वैल्यू कितना 6/5 है, तो यानी 2000 × 6/5 520, यानी 2400 रुपया इसका मिश्र धन आ गया। और डाटा हम लोग देख लेते हैं एक बार, दिया रहेगा क्वेश्चन में धन हो गया प्रतिशत ब्याज, यानी 2 × 100 यानी कि 1 घटा के गुना कर देते हैं 100 से, 3 × 1 घटा के गुना करेंगे 2 से, तो यानी 100 × 2 = 2%, 200% हो जाएगा, यानी 4 × 1 घटा के गुना करेंगे 3, यानी 3 × 100 यानी 300%। उसी तरह 5 गुना है, उसी तरह 2 × 1/2 है, यानी कि आधा है, 1 घटा के तो 1.5 बच गया, यानी 1.5 को गुना करेंगे 100 कितना आएगा 150% आएगा। और 1/2 है, तो इसको 1 हटा के 1/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 का 1/2 करेंगे तो 50% आएगा। उसी तरह क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अब साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1/2 × 2 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी प्रतिशत ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग पहले ही बता चुके हैं, अगर 1/2 रहेगा तो यानी 1.5 हो गया, 1.5 में से 1 घटा के गुना करना है 100, यानी कितना आ जाएगा इसका प्रतिशत ब्याज 50 आ जाएगा। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत ब्याज बटा समय करते हैं, तो दर मतलब 10 इसका प्रतिशत दर आ गया है, तो इसका ब्याज की वार्षिक दर कितना आ गया 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20% एसआई की दर से कोई धन कितने वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। हम क्या बोले थे, पहले अगर 3 गुनी रहेगा तो उसमें 1 घटा के गुना किया जाता है, यानी प्रतिशत ब्याज हो जाएगा इसका 200%, यानी 100 × 2, तो समय बराबर हो जाएगा 200% बटा 20
इसका वर्षीय दर है, इस तरह समय हो जाएगा 10।